अस्सलाम वालेकुम, मैं शायदा शेख। रात के ठीक 9:30 बजे हैं और अब हम अरमान किया जो 11वीं शरीफ की नियाज है वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़े हैं। तो मैं, मेरे मिस्टर और हमारे पड़ोस में जो मदीना पे, दोनों हम लोग रिक्शा से वायरी मोहल्ले में जा रहे हैं जहाँ पर ये नियाज है। तो यहाँ पर देखो, पिप्पल पर हम रिक्शा में बैठे और पिप्पल से हम निकले। अब ये हम भरड़ नाके पर पहुँचे हैं, ये रहा भरड़ नाका। यहाँ पर जो राइड में जो गली जाती है, देखो यही वो भरड़ नाका है, वो बाज़ार की तरफ जाती है, लेकिन हमें सीधा जाना है, एकदम स्ट्रेट सीधा जाएंगे तो एसटी स्टैंड है, लेकिन हम राइड में घूम जाएंगे जहाँ पर रिक्शा खड़ी होती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर रिक्शा नहीं, देखो ये हमारी रिक्शा यहाँ पर राइड में घूम गई। यहाँ से हम सीधा अरमान के घर की तरफ निकल पड़े, यहीं से वो वायरी मोहल्ला है। देखो सामने 4-व्हीलर आई हुई है, रात का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, हर तरफ लाइटिंग है देखो। और यहाँ पर दोनों तरफ जो है आपको घर मिलेंगे। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे तो यहाँ पर ये रामेश्वर कॉम्प्लेक्स है। रामेश्वर कॉम्प्लेक्स जब ख़त्म होता है तो उसको लगकर ये एक गली जो है, देखो यही वो गली है, ये भी एसटी स्टैंड की तरफ जाती है। हम सीधा जाएंगे तो ये रहा यहाँ पर बस स्टॉप, जो लोग खड़े, ये बस स्टॉप है, ये लोग तारकली देवबाग जाने वाली बस के इंतज़ार में हैं। यहाँ से हम सीधा जाएंगे, सीधा निकल पड़े। रास्ता बहुत ही अच्छा है और रास्ते के दोनों तरफ घर है और पुराने कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे हैं। उसमें से एक मैं अभी आपको बताऊंगी, देखो जो पुराना घर है बहुत ही खूबसूरत, देखो यही वो घर है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो हम पूरा अरमान के घर तक रिक्शा लेकर नहीं जाएंगे, हम नाके पर उतरेंगे। देखो ये जो लोग खड़े हैं ना यहीं पर, अब हमारी रिक्शा रुक गई, हम यहाँ पर उतर रहे हैं। यहाँ पर जो ये गली है, यहाँ पर ये पहला घर है, यहाँ से हम निकले। 2-3 घर छोड़कर ही अरमान का घर है जहाँ पर हम नियाज खाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, दोनों तरफ घर है। देखो ये लोग नियाज खाने के लिए जा रहे हैं, ये रही मैं और ये समीर भाई है जो खिलाने में मगन है। यहाँ पर देखो ये नियाज है, चावल सालन और सुक्का, बहुत ही लजीज नियाज होती है। और ये अरमान जो लड़का है बहुत ही ईमानदार और फरमा बरदार, माँ बाप का फरमा बरदार है। इसके अब्बा, ये सकीना मैडम है जो हमेशा हंसते ही रहते हैं, हंसमुख मिजाज है। तो ये जो अरमान और उसके अब्बा काफ़ी मेहनत करते हैं, हर साल ये लोग नियाज रखते हैं, अल्लाह उनकी कमाई बरकत दे, इसी तरह वो नियाज रखे। मैं आपको उससे मिला ही होती लेकिन वो अरमान जो है अभी काम में मगन है। देखो औरतें खाने बैठे हुए हैं, ये मैं रही, ये नसीमा अप्पा हैं जो मराठी स्कूल में टीचर थे, अभी फ़िलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। वहाँ सामने जो है मर्द, वो मर्दों की लाइन है और ये औरतों की लाइन है, दोनों तरफ खाना खिलाया जाता है, फुल दावत होती है, हर साल ये लोग रखते हैं। ये मैं हूँ। तो मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर देखो ये आदमी बैठे हुए हैं और लाइटिंग काफ़ी खूबसूरत की गई है, रात में तो और भी अच्छा नज़र आता है। देखिए औरतें खड़े हैं, ये रहे वही सकीना अप्पा जो हमेशा मुझे, मैं जब अकेली होती तो मुझे शूट करने में मदद करते हैं और हंसमुख भी जाए। ये मैं इरफान भाई से बात कर रही हूँ। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर ज़रूर मुझे बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, थैंक यू।